खबर शामिल करती हैं खुशाब से, जहां आईबीसी न्यूज के डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ साहबजादा इम्तियाज चौटान की रिपोर्ट के मुताबिक सुन्नी तहरीक खुशाब के जेर एहतमाम सालाना मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रैली निकाली गई, जो कि दरबार आलिया हजरात बादशाह सरकार से शुरू हुई और अपने मुकर्रा रूट से गुजरती हुई पुराना लारी अड्डा खत्म हुई, जहाँ पर मिलाद कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई जिसमें उलमा कराम मशायख अजाम और अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए क्रेन पार्टी के जिली रहनुमा जमरत अब्बास कादरी, डिविजनल सदर सुन्नी तहरीक साहबजादा इम्तियाज चौटान, सदर जमात अहल सुन्नत मौलाना दिलदार हुसैन रिजवी और दीगर ने हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी से कबल जुल्म सितम कत्लो गारतगरी और औरतों के हकूक पामाल हो रहे थे, मगर आका करीम के ऐलान नबूवत के बाद दुनिया का नक्शा ही बदल गया। बाद अजां बजरिया कुरानदाजी एक खुश नसीब को अलहाज बिलाल ट्रेवल्स की तरफ से उम्रा का टिकट भी दिया गया।